रूफ़ की बात करें, ये गाड़ी डुअल टोन में ही आती है, स्पॉट लाइन रूफ ब्लैक मिलेगा आपको। इसमें जो कलर ऑप्शन है, वाइट विथ ब्लैक रूफ, रेड विथ ब्लैक रूफ, लावा ब्लू विथ ब्लैक रूफ और एंड फुल्ली ब्लैक भी आपको इसमें मिल जा रही है। सिग्नेचर से ऊपर आ रहा है स्पॉट लाइट, इसमें जो चेंजेस। तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए स्कोडा कोसैक स्पॉटलाइट मॉडल, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है। तो चलिए इसके बारे में आपको रोशन जी डिटेल में बताते हैं, तो वीडियो बने रहे और चैनल पर नए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सिग्नेचर से ऊपर और टॉप मंड मॉडल जो इसकी प्रेस्टीज आती है उसके बीच में आ रही है, अभी जस्ट लॉन्च हुई है। इसमें जो कंपनी ने चेंजेस किया है, फर्स्ट में आपका ग्रिल जो है फ्रंट ग्रिल वो पियानो ब्लैक में आपका दे दिया है कंपनी ने, स्किड प्लेट पियानो ब्लैक में ऐड कर दिया है कंपनी ने, जो गाड़ी के फ्रंट लुक को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। साइड प्रोफाइल में बात करें तो साइड में आपका पियानो ब्लैक में अलॉय व्हील आ जा रहा है, जो टॉप मॉडल का इसमें टायर साइज आ रहा है आपका 17 इंच का टायर आपको इसमें आ जाएगा, 205/55R17 टायर आ जाएगा बिल्कुल, ताकि गाड़ी के साइड लुक को और भी प्रीमियम बना रहा है। उसके बाद ORVM आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, साथ ही डोर पे आपको दो साइड मोल्डिंग जो है वो पियानो ब्लैक में कंपनी दे रही है लगा करके गाड़ी के साथ। रूफ़ की बात करें, ये गाड़ी डुअल टोन में ही आती है, स्पॉट लाइन रूफ ब्लैक मिलेगा आपको। इसमें जो कलर ऑप्शन है, वाइट विथ ब्लैक रूफ, रेड विथ ब्लैक रूफ, लावा ब्लू विथ ब्लैक रूफ और एंड फुल्ली ब्लैक भी आपको इसमें मिल जा रही है। जब रियर की बात करें तो रियर में आपको स्कोडा का बैचिंग पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाता है, साथ में कुशाक का भी बैचिंग आपको पियानो ब्लैक में, और जो डिक्की क्रोम है वो भी आपको पियानो ब्लैक में ही आ रहा है। रियर स्किड प्लेट की बात करें वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही आता है इस मॉडल में। ग्रिल आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, नीचे आपको स्किड प्लेट भी यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक में कंपनी ऑफर कर रही है इसमें। बस बाकी यहाँ पे ट्विन हुक मिल जाएगी आपको, यहाँ पे भी आपको फॉगलाइट नहीं मिलेंगे लेकिन ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं इतने बड़े से विंड से, और ऊपर में आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। टॉप मॉडल में ही आता था, अब इसमें भी आ गए हैं। बात करें कार की साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, 17 इंच में कंपनी ऑफर कर रही है। टायर साइज है 205/55R17 ये टायर है। आगे यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और रेयर साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, इसमें डिस्क नहीं आती है। और यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अभी गाड़ी लॉक है तो ये ओपन नहीं हो रही। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ORVM भी ओपन हो गया और यहाँ पे इसको मैं पुश करूँगा तो जो फ्यूल फिलर कैप खुल जाएगी। तो क्या कैपेसिटी वगैरह वो आपको आगे बताता हूँ। बात करूँ चाबी की, तो यहाँ पे चाबी कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक और बूट ओपन ऐसे कर सकते हैं। इसका कंपनी देती है लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। पुश स्टार्ट बटन आपको उसमें ऑफर किए जाते हैं। ये स्कोडा कोसैक आपको 1 लीटर इंजन में कंपनी ऑफर करती है इसमें स्पॉटलाइट वेरिएंट में, और ये अभी न्यूली लॉन्च हुई है जो कि डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई भी कलर देखते हैं आप, अगर रेड ब्लू तो आपको उसमें ब्लैक ही देखने को मिलेंगे, और स्कोडा फुल इंटीरियर में आपको ब्लैक देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में आपको दिखा दिया, ORVM में आपको ग्लोसी ब्लैक देखने को मिल जाता है विद टर्न इंडिकेटर फोल्ड अनफोल्ड। ये आप लॉक अनलॉक करोगे तो उसके साथ फोल्ड अनफोल्ड होती है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलता है और यहाँ पे ब्लैक क्रोम देखने को मिल जाता है। बी पिलर आपको ग्लोसी ब्लैक देखने को मिल जाती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये ब्लैक ही है। और बड़े सा विंडो मिल जाता है यहाँ पे आपको, क्वार्टर विंडो और ये विंडो मिल जाती है, ये ब्लैक है, ग्लोसी ब्लैक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर आपको ऑफर किए जाते हैं सनरूफ, इस मॉडल में आपको एड ऑन हो गया है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका एग्जैक्ट है जो अभी नया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बाकी रेयर साइड की बात करें तो रेयर साइड में आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे TSI की बैजिंग वो भी आपको ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिलेंगे। यहाँ स्कोडा की बैजिंग वो भी ग्लोसी ब्लैक में, और यहाँ पे कुसैक लिखे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये टेल लाइट की बात करें तो LED यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडिकेटर आपको हेलोजन और रिफ्लेक्टर रिवर्स लाइट भी आपको हेलोजन मिलेंगे, और ये रिफ्लेक्टर बेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये डिक्की क्रोम जिसको कहते हैं वो भी आपको ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिल जाते हैं। बस बाकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वाइपर आपको ऑफर किए जाते हैं, डिफॉगर हाई स्टॉक माउंटेन ऊपर सार P19। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको इसमें 3 पॉइंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं दो, और यहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे इसकी प्लेट देखने को मिल जाती है जो कि फुल अगेन ग्लॉसी ब्लैक आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे टो हुक मिलती है, बूट ओपन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बूट ओपन होती है, गाड़ी अनलॉक करना पड़ेगा, अनलॉक करेंगे, काफ़ी हेवी है इसका टोल बॉक्स, टोल गेट आपको यहाँ पे प्लास्टिक मिल जाती है, काफ़ी हेवी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी से। और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं कुछ इस तरीके के, इसके बूट स्पेस हैं, बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हुक वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ भी हुक मिल जाते हैं, यहाँ लाइट मिल जाते हैं। एग्जैक्ट इसका जो बूट स्पेस है वो मैं आपको मेंशन कर दूँगा अभी। और यहाँ पे स्टेपनी व्हील आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे स्टेपनी व्हील भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें, टायर साइज की तो स्टील में तो 1 इंच कम ही मिलेंगे, 16 इंच के आपको इसमें स्टेपनी व्हील मिल जाएंगे, MRF के टायर मिलेंगे आपको। बाकी आप सीट को भी उसको फोल्ड करके बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि और कुछ है नहीं तो बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाएंगे, हैंडल, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको ऑफर किए जाते हैं, नंबर प्लेट लाइट आपको देखने को मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलते नहीं, कुछ लेफ्ट साइड का व्यू आपको इस तरीके का देखने को मिलेंगे। नीचे आपको कंपनी इसकी ला के देती है स्किट प्लेट जो कि ग्लॉसी ब्लैक में है। यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग, यहाँ पर आपको लाइट भी मिल जाते हैं, हाई फेस मिल लो, इंडिकेटर आपको हेलोजन बेस ही मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं स्कोडा मुजफ्फरपुर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आपको हीरो शोरूम के अपोजिट साइड में है रामदयालु में। बाकी डिस्क्रिप्शन में रोशन जी का नंबर भी डाल दिया हूँ तो आप उनसे कांटेक्ट करके एड्रेस वगैरह पूछ के जा सकते हैं। बात करो डोर की, तो डोर इसमें भी इसमें भी डोर खुलते हैं, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक के चारों पावर विंडो, यहाँ विंडो लॉक कर लो, और भी एडजस्टिंग फोल्ड एंड फोल्ड मिल जाते हैं। यहाँ पर हैंडल क्रोम हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सिल्वर में, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। बात करें सीट की तो आपको फैब्रिक वाली सीट मिलते हैं ब्लैक कलर की, और काफ़ी थाई सपोर्ट भी अच्छा है इसका, काफ़ी कुछ नहीं है। हेडरेस्ट भी आपको यहाँ एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 5 हेडरेस्ट आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। सीट बेल्ट आपको ब्लैक कलर के ही मिलते हैं, और इसका सीट बेल्ट का फीचर बता दूँ कि अगर ये ऐसे झटके से तो लॉक होता ही, अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते तो भी ये लॉक हो जाती है। तो बाकी अंदर चलते हैं, और सीट एडजस्टमेंट भी मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे रिक्लाइन करने के लिए भी आपको ये मिल जाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो स्टेयरिंग व्हील आपको 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाते हैं, ये सब ग्लोसी ब्लैक क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आपको यहाँ पर ऑफर किया जाते हैं। स्कोडा की बैग में यहाँ पर आप इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीडोमीटर कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको इधर साइड में RPM मिल जाएगी, इधर स्पीड, इधर फ्यूल गेज, इधर टेम्परेचर गेज, यहाँ सेट वगैरह आप पढ़ सकते हैं। यहाँ वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। जर्मन कार में वो अपोजिट साइड होती है, यहाँ लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसे घुमा के, यहाँ लाइट लेवरल आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस कंपनी में जो मेन न्यू चेंजिंग है जो कंपनी सनरूफ दे रही है इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है स्पॉट लाइन में। बाकी वैनिटी मिरर आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएंगे, रीडिंग लाइट आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं, सनग्लास होल्डर आपको इसमें नहीं मिलते हैं। पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, उधर आपको हैंडल भी मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इतने बड़े से मिल जाएंगे 10 इंच। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है,
और यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाएंगी और सिल्वर टच आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ ग्लोसी ब्लैक में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ रखने के लिए भगवान वगवान मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए मिल जाएंगे स्पेस। और ग्लोव बॉक्स बताऊँ आपको तो ग्लोव बॉक्स यहाँ पे कूल मिल जाते हैं, आपको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे आपको पैडल दिखा दूँ तो यहाँ पैडल आपको मिल जाते हैं, क्लच ब्रेक एक्सेलरेशन, यहाँ डेड पैडल भी आपको मिल जाएंगे, डेड पैडल। तो हर चीज़ है यहाँ पे। आपको दो टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाते हैं जो कि आप ऑटोमेटिक है और ये टच कंट्रोल के साथ आती है, और ऐसे आप भी प्रेस करोगे तो कमेगा बढ़ेगा घटेगा सब कुछ फीचर। एसी वेंट आपको उस तरीके को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर मिल जाते हैं विथ रिवर्स, 7 स्पीड गियर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ 12 वोल्ट के सॉकर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेसियस है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, वॉलेट वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे, वो भी लेदर के साथ में है जो कि स्लिपरी नहीं है ज़्यादा, स्क्रैच पर स्क्रैच नहीं आएगी। बाकी कुछ इस तरीके का फील है। यहाँ पे आप छोटा सा स्पेस है आपको कॉइन में रखने के लिए। यहाँ बोतल होल्डर, कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। यहाँ हैंड ब्रेक मैनुअली, आर्मरेस्ट भी इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं जो कि फैब्रिक वाले हैं, इसमें आगे पीछे से नहीं है सिर्फ, यहाँ पॉकेट कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे फिक्स रहती है, स्लाइड नहीं होती है। तो यही चीज़ है। और स्टीयरिंग की बात बताऊँ तो इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिक आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं, सिर्फ टिल्ट ही मिलते हैं इसमें। यही चीज़ है। तो चलिए कार के रियर साइड में चलते हैं, रियर साइड आपको दिखाते हैं। तो रियर साइड डोर आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरे ब्लैक, यहाँ पे आपको हल्का ग्रे कलर के टच मिल जाएंगे। यहाँ हैंडल, यहाँ पे बटन आपको मिल जाएंगे, विंडो कंट्रोल और विंडो के पावर बटन है यहाँ पे। यहाँ बोतल होल्डर, यहाँ स्पीकर मिल जाएंगे आपको। सीट अपहोल्स्ट्री आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, फैब्रिक वाले ही। यहाँ पे सीट बेल्ट आपको ब्लैक कलर की मिल जाएगी। तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल ही मिलेंगे, यहाँ पे देख ले तीनों एडजस्टेबल मिलेंगे। तो चलिए अंदर चल के लेग स्पेस वगैरह दिखाते हैं। तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, सीट मैंने पूरा पीछे कर रखा है, उसके बाद भी इतना लेग स्पेस है गाड़ी में। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, दो चार्जिंग सॉकेट टाइप सी वाले, छोटे से हम्प आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। सीट पॉकेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे हैंडल विथ हुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे भी हैंडल मिल जाएगी और यहाँ पे हुक मिल जाएंगे। और इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि 2 कप होल्डर के साथ होगी। बाकी पैसेंजर साइड और पीछे का पार्सल ट्रे पे आपको जिस तरीके के स्पेस है जो कि आप 5-10 किलो के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल व्यू गाड़ी का यहीं पे था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चैनल पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और ये स्कोडा कुसैक है, इसका प्राइस मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो रोशन जी को कॉल कर लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल वगैरह ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।